घोटाला घोटाला घोटाला, हर दिन एक नया घोटाला। जी हाँ, मोदी राज में हर घड़ी अडानी का एक नया घोटाला सामने आ रहा है। पहले हिंडबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी की धज्जियां उड़ाई, फिर अडानी का चाइनीज कनेक्शन सामने आया। अब पता चला है अडानी तो आपकी जेब पर ही डाका डालता है। जी हाँ, अगर आप आज बिजली का महंगा बिल भर रही हैं, तो उसके लिए मोदी का परम मित्र अडानी जिम्मेदार है। फाइनेंशियल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक अडानी ने ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल करके भारत में कोयला महंगे दामों में आयात किया। इस कोयले से महंगी बिजली बनी, जिसकी भरपाई आपकी जेब से हुई। आइए ये मामला आपको विस्तार से बताते हैं। जनवरी 2019 में इंडोनेशिया से एक जहाज कोयला लेकर भारत की ओर निकलता है। जब ये जहाज वहां से चला, तब इसमें मौजूद कोयले की कीमत कागजों में करीब 15 करोड़ दर्ज की गई थी। साथ ही लोकल कॉस्ट इसमें 34 लाख की रही। मगर इस जहाज के गुजरात पहुंचने तक एक बड़ा चमत्कार हो गया। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब ये जहाज गुजरात पहुंचा और इसमें मौजूद कोयले की कीमत आकी गई, तो अडानी साहब ने ये कीमत 35 करोड़ से ज्यादा बताई, यानी 15 करोड़ से सीधा 35 करोड़। अगर अडानी साहब के पास इतनी तेजी से किसी चीज की कीमत बढ़ाने की कोई तरकीब है, तो उन्हें ये भारत के हर आम आदमी के साथ साझा करनी चाहिए। मोदी जी से तो देश की गरीबी मिटी नहीं, क्या पता ऐसे ही देश की गरीबी खत्म हो। ये तो महज एक उदाहरण है। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के मुताबिक ऐसे कुल 30 मामले हैं, जिनकी कुल कीमत भारत में 17 अरब से ज्यादा दिखाई गई, जबकि इंडोनेशिया में इन्हें 11.5 अरब में खरीदा गया, यानी सीधे 6 अरब का मुनाफा। और ये मुनाफा यही नहीं रुका, इसके बाद अडानी ने आपको और हमें महंगी बिजली बेची और उससे भी लाखों करोड़ों कमाए। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अडानी ये सब कैसे कर पा रहा है, कैसे अडानी जनता को महंगी बिजली बेचकर खुद करोड़ों कमा पा रहा है। विपक्ष का कोई नेता अगर छींक भी मार ले, तो उसके घर ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों है जो अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? जवाब आप और हम दोनों जानते हैं, क्योंकि मोदी अडानी का नौकर है।